गाइस वेलकम टू नॉलेज डिकोडर और आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोग का मस्त टॉपिक, एक टेंथ का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक इसको माना जाता है, जिसका नाम आप लोग बता सकते हो कितना, बताओ क्या नाम है टॉपिक का? नाम प्रोबेबिलिटी है, आप लोग को दिख रहा होगा क्या है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप समझो ध्यान से। ये देखो क्या होता है ना कि अगर इसको अच्छे से अगर नहीं समझते हो तो पता ही नहीं चलता कि इसमें भाई क्या चल रहा है। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहला पॉइंट जो ये जो टॉपिक है टेंथ का, ये मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत फेमस माना जाता है। कहाँ पे फेमस माना जाता है इसको? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग बोल सकते हो, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, आना ही आना इससे ऑब्जेक्टिव होता है। और कुछ कुछ और ऐसा नहीं केवल ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं हम लोग। क्या प्रोबेबिलिटी? प्रायिकता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता। देखो डेफिनेशन क्या है, समझना ध्यान से। इनका कहना है कि प्रायिकता एक अवधारणा है, कंसेप्ट है, जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता के आंकिक न्यूमेरिकल मान को दर्शाता है। ठीक है, अवधारणा है, एक कंसेप्ट है। देखो हम हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, कंसेप्ट, कंसेप्ट का हिंदी ही होता है देखो अवधारणा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, इनका यही कहना है कि भाई कि ये एक अवधारणा, एक कंसेप्ट होता है जिससे हम लोग है ना डिग्री ऑफ सर्टेनिटी देखते हैं। सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चितता, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी मतलब कितना निश्चित है ये चीज, है ना, किसी भी घटना का होने क्या निश्चितता है, वो सब हम लोग देखते हैं किसमें, प्रायिकता में। हम लोग इस चीज को जज करते हैं, है ना, उसका एक न्यूमेरिकल मान दिखाता है चीज, है ना, न्यूमेरिकल मान दिखाता है कि कोई भी घटना कितने निश्चित रूप से घटेगी, है कि क्या उसके घटने की संभावना है। ये सब हर एक चीज हमेशा से ये डील करता है। अगर इंग्लिश में देखो, प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट व्हिच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है ना, जो इवेंट अकर होता है तो उसको हम लोग देखते हैं कि उसकी क्या निश्चितता है घटना घटने की और नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया अपना क्या प्रायिकता का डेफिनेशन। ठीक है, कुल मिलाकर इतना जान लो आप कि बस ये चीज समझ लो, ये निश्चितता। ठीक है, ये चीज पे फोकस रखो कि ये हमको दिखा रहा है क्या घटना घटने की क्या हमारा प्रोबेबिलिटी है बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो देखते हैं क्या सीन बन रहा है। जब आगे देखो तो कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू क्या अपना प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग चेक करके क्या निश्चितता है घटना घटने की। ठीक है, उसे कुछ रिलेटेड टर्म्स है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि पहला टर्म देखोगे वो है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। इंग्लिश में समझना, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ऐसा कार्यकलाप जिसमें पूर्ण रूपेण परिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं उससे प्रयोग कहते हैं। मतलब पूर्ण रूप से जो भी अगर मान लो एक्सपेरिमेंट करते हो तो पूर्ण रूप से आपको जो है ना परिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं, जो हम जानते हैं, जो चीज हम जानते हैं वो चीज आपको मिलना ही मिलना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये चीज समझ लो कि इसका डेफिनेशन पूछता नहीं, बस समझ लो कि ऐसा कार्यकलाप जिसके पूर्ण रूपेण परिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रयोग कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक और डेफिनेशन क्या है, यादृच्छिक प्रयोग। मतलब इंग्लिश में बोलो रैंडम एक्सपेरिमेंट, नाम ही है रैंडम, देख रहे हो ना, नाम ही है रैंडम। मतलब क्या, देखो जो चीज अगर मान लो कि एक सिक्के को उछाल ले आप, तो एक चीज तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मीन्स क्या, ऐसा प्रयोग जिसमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात हो, इसमें आपको इस टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, इसमें आपको एक गारंटेड पता है। अगर हम लोग एक सिक्के को उछालते हैं, मान लो सिक्का को, उसे क्या होता है, आपको ये 100% श्योर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या भाई क्या हेड या क्या टेल आएगा, आप ये बोल सकते हो क्या हेड ही आएगा क्या, ये तो नहीं बोल सकते हो। तो मतलब कुल मिलाकर जो संभावित परिणाम आपको पता है या यही दो में से कोई एक होगा, लेकिन आप ये गारंटेड नहीं बोल सकते हो कि या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। मतलब कुल मिलाकर कितना मेरा कहना है, अब देखो डेफिनेशन समझ में आएगा, ऐसा प्रयोग जिसमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात हो, संभावित परिणाम तो ज्ञात रहता ही है, परंतु वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी अग्रिम रूप से नहीं की जा सकती, तो क्या बोलते हैं, यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी जो है ना तुम एकदम से नहीं कर सकते कि भाई कि हमारा हेड ही आ जाएगा और टेली आ जाएगा, ये आप नहीं बोल सकते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो आगे अगला, अगर देखो तो अगला क्या हमारा बताओ जल्दी से, अभिप्रयोग मतलब ट्रायल। ट्रायल मतलब क्या, मतलब प्रयोग को कितनी बार कर रहे हो, वही चीज होगा। देखो एक बार किसी प्रयोग को करना अभिप्रयोग कहलाता है। अगर मान लो कि कोई भी काम हम लोग कर रहे, सिक्के को उछालना है, एक बार उछाल दिए तो बोलेंगे एक ट्रायल हुआ, दो बार उछाल तो दो ट्रायल हुआ, मतलब समझ रहे ना, वो चीज है। अब देखो अगला टर्म है घटना, इवेंट, जो घटना घटती है वही चीज लिखा होगा, किसी अभिप्रयोग के संभावित परिणाम को घटना कहते हैं। अगर मान लो कि कोई हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, उसका जो परिणाम आएगा
वही हमारा क्या हम लोग बोल सकते हैं उसको घटना बोल सकते हैं। जैसे देखो मान लो किसी सिक्के को छानने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, का आना एक क्या है, घटना है, घटना है, समझ में आ रहा है क्या, एक घटना है, ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझो ध्यान से, जब हम लोग देखें घटना क्या है, समझ में आ गया कि भाई अगर सिक्के को उछालेंगे तो हेड और जो टेल का आना होता है एक तरह से घटना कहलाता है, ठीक है। अब एक होता है अनुकूल घटना, क्या होता है अनुकूल घटना, अनुकूल घटना मतलब ये होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें किसी घटना के घटित होने की पूरी पूरी संभावना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं अनुकूल घटना, ठीक है। मतलब कि लगभग पूरी पूरी संभावना होती है कि भैया ये घटना तुम्हारा घटित होगा ही होगा, ठीक है। ये कुछ टर्म्स थे आपको रिलेटेड किसके, प्रोबेबिलिटी के, प्रायिकता के रिलेटेड। प्रायिकता का तो डेफिनेशन में बता ही दिया था, इसमें कुछ होता नहीं है भाई, ये आपको क्या पता था जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता के आंकिक मान को दर्शाता है, ठीक है। और उससे कुछ टर्म्स मैंने आपको बता दिया, इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स में आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ प्रयोग है वो चीज समझो क्या क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रयोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। जैसे मान लो कि एक सिक्के को आप उछाले, यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के के ऊपरी सतह पर या तो एक हेड या एक टेल आएगा। मान लो वैसे जब देखते हो ना कि यार जब हम लोग मैच क्रिकेट मैच देखते हैं तो आप देखते हो कि दो टीम का कैप्टन आता है फिर टॉस करता है ना, तो टॉस करो तो क्या आएगा बताओ, या तो ऊपर में या हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही दोनों आ सकता है, वही चीज लिखा हुआ है। यदि हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो इन सिक्कों के ऊपरी सतह पर क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, जैसे मान लो ये पहला सिक्का है या दूसरा सिक्का है, इसको मान लो पहला सिक्का, इसको दूसरा सिक्का मान लो, हम दोनों को एक साथ उछाले, मान लो इस पे हेड आया, इस पे भी मान लो हेड आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है इसमें हेड आया इसमें टेल आया, ऐसा भी हो सकता है इसमें टेल आएगा और इसमें हेड आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी टेल आ जाए और इसमें भी टेल आ जाए, और तुमको लग रहा कोई पॉसिबिलिटी और दिख रहा है क्या तुमको, इसमें भी हेड आया इसमें भी हेड आया, इसमें हेड आया इसमें टेल आया, इसमें टेल आया इसमें हेड आया, इसमें भी टेल आ सकता है इसमें भी टेल आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है, एक दो तीन चार, आई थिंक ये चार ही पॉसिबिलिटी है जिस तरीके से ये आ सकता है। देख लेते कितना है, देखो यहाँ पे भी वही चीज है, हेड आया हेड आया हेड आया टेल आया, टेल आया हेड आया और टेल टेल आया, मतलब एक दो तीन चार, मतलब ये चार पॉसिबिलिटी है इस तरीके से ये अकर हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखो आप तीन सिक्कों को एक बार उछालने पर उनकी ऊपरी सतह पर क्या क्या आ सकता है, ट्रिपल एच आ सकता है इसी तरीके से, फिर एच एच टी, फिर एच टी टी, फिर टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, एच टी एच और ट्रिपल टी, मतलब ये सब आने की संभावना कुल मिलाकर यहां देखो तो एक दो तीन चार, ठीक है। और यहां पर अगर देखो तो कितना आया होता, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, मतलब ऐसे कुछ फॉर्मूला होता था, टू टू दी पावर एन, सिक्का के जब सिंग बनता था तो सिक्का का एक फॉर्मूला होता था, उस तरह से निकालने का कितना हमारा बनेगा घटना, तो उस लेवल पर टू टू दी पावर एन का फॉर्मूला होता था हमको लगता है, आई थिंक, ठीक है ना। तो आई थिंक नाइन्थ में ये पढ़ना था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देख रहे हो एक दो तीन चार हो रहा है, यहाँ पे कितना है आठ, ठीक है। अगर तीन सिक्के को हम लोग मस्त तरीके से अगर उछालते हैं तो, अगर दो सिक्के उछालेंगे तो चार आएगा, और तीन सिक्के को जब उछालते हो तो ये सब आने का पूरा एकदम आठ, मतलब आठ चीजें आ सकती है, मतलब क्या आठ तरीके से हम सिक्के को देख सकते हैं गिरते हुए, दिख सकते हैं ना भाई, मान लो तीन सिक्का फेंके एक बार इस तरीके से दिख सकता है सिक्का, मतलब आपको आठ तरीके से सिक्का आपको दिख सकता है, ठीक है। अब देखो समझो ध्यान से, इसे मान लो कि यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसके ऊपर से सतह पर एक दो तीन चार पांच छह पासा, समझ रहे हो ना, देखो इतना मत समझो, ऐसे समझ लो कि लूडो खेले हो ना भाई, वही है पासा, लूडो में नहीं होता है जिसपे लिखा रहता है एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है ना, वही लूडो, वही समझ लो कि वो जो खेलते हो, वो जो रहता है जिसपे एक दो तीन चार पांच छह लिखा रहता है वही अपना क्या पासा, ठीक है। उसी को जो फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है बताओ, या तो वन आएगा या तो टू आएगा या तो थ्री आएगा या तो फोर आएगा या तो फाइव आएगा या तो सिक्स आएगा, यही सब आता है। इसी तरह से यदि दो पासों को एक बार उछाला जाता है तो उसके ऊपरी सतह पर निम्न संख्या उपस्थित होती है, तो जब दो, अगर मान लो कि दो पासों को उछाला गया ना, इस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकता है, देखो वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, मतलब आपको कुछ करना नहीं होता है, सीधा वन से शुरू करो फिर वन वन करते चले जाओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। टू से शुरू करो फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर थ्री से शुरू करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक चीज देख रहे हो ना, ये वन मतलब रो में वन कंटिन्यूअस है, उसके बाद एक दो तीन चार पांच बार जा रहा है, इसमें भी अगर देखो तो दो हमेशा कंटिन्यूअस है लेकिन ये फिर से एक से छह तक बार जाएगा, फिर क्या होगा, तीन हमेशा क्या आ रहा है देखो कंटिन्यूअस है, फिर क्या हो रहा है एक दो तीन चार पांच छह, इधर से देखो चार कंटिन्यूअस है, फिर एक दो तीन चार पांच छह,
फिर देखो पांच पूरा कंटिन्यूअस है, फिर क्या एक दो तीन चार पांच छह, इसी तरह से अगर छह को देखोगे तो छह पूरा देखो कंटिन्यूअस है, फिर देखो एक दो तीन चार पांच छह, मतलब ये लिखना भी आसान है। अगर आपसे लिखने के लिए बोले तो लिखना भी आसान है, कुछ मत करना कि हर रो में ये जो पहला वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन को सेम रख देना, एक है तो एक एक रख देना, और जो दूसरा पॉइंट कोमा देके लिखोगे उसको बढ़ाते चले जाना एक से लेकर छह तक के, एक से लेकर के छह तक, 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 एक से लेकर के छह तक बढ़ते चले जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब तो भैया चलो तुम सीख लेगे, सिक्का उछालेंगे सर क्या होगा, और लूडो, लूडो जो खेलते हैं हम लोग उसमें जो पासा होता है तो वो उसको उछालेंगे तो क्या क्या सीन हमारा बन सकता है। ठीक है, अब देखो अगला सीन देखते हैं कि सीन क्या है कि अगर मान लो आपके पास ताश की गड्डी है, देखो बहुत लोग ताश जानते भी होंगे नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं है, समझाता हूँ आपको देखो अच्छे से। देखो सबसे पहला पॉइंट जो याद रखता है कि जो ताश जो होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं, कितना पत्ते होते हैं 52, याद रखो ये सब चीज। देखो ताश खेलो मत लेकिन ताश को ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, मान लो कोई घर में खेलता है तो क्या ले सकते हो, देख सकते हो, देख लेना कोई दिक्कत नहीं है, आज जाके देख लेना है ना, ताश होगा ही नहीं यार, देख सकते कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो खरीद के लाना, अच्छे से उसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला तो 52 पत्ते होते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपको जरूर रिमेम्बर है, गिन लेना 52 पत्ता ही होता है। ठीक है, ये चार चीजों में बटा रहता है ना, चार कलर इसमें होता है, क्या क्या कलर होता है वो चीज देख लो, एक होता है पान, देखो इस तरह से दिल टाइप से बना रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं पान, फिर ईट टाइप से बना रहेगा उसको बोलेंगे ईट, एक इस तरह से पान का पत्ता जैसे होता है ना उस तरह से बना रहता है उसको बोलते हैं हुकुम, और एक देखो चिड़िया टाइप से बना रहता है, देखो ना चिड़िया टाइप से उसको बोलते हैं चिड़ी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको चार तरह के रंग मिलेंगे, मतलब चार तरह का कलर आपको देखने के लिए मिलेंगे, यही चार कलर होते हैं, 52 पत्ती होते हैं, इसमें क्या होता है वो चार समूह होता है, क्या होता है चार समूह, मतलब चार तरह के कलर आपको दिख सकते हैं, या तो एक एक कलर पान का दिखेगा ये रेड होता है, याद रखो ये होता है रेड, ये भी होता है रेड, मतलब पान ईट जो होता है ये दोनों रेड होता है, और हुकुम और चिड़ी दोनों क्या होता है काला होता है, मतलब कि अगर आप इससे पूछा जाए कि भाई अगर 52 पत्ती है हमारे पास तो उसमें कौन कौन का कलर हो सकता है, तो आप बोलोगे सर एक एक दो रेड होगा, दो रेड रहता है और दो अपना ब्लैक रहता है, और नाम बता दो, जो दिल रहेगा उसको पान बोलते हैं, जो इस तरह से ईट तरह से बना रहता है उसको ईंट बोलते हैं, ये अगर पान के पत्ता जैसे बना रहेगा तो उसको हुकुम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं चीरी बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझो मतलब 52 पत्ती था, 52 पत्ती था तो 52 पत्ती में हमको क्या दिखा, एक दो तीन चार, मतलब चार तरह का रंग है, तो मतलब क्या बोला कि चार से डिवाइड कर दो, मतलब 52 अगर चार से आप डिवाइड करते हो तो आई थिंक 13 होगा ना, 13 चार 12 के दो हाथ में घात, 13 कितना हो गया 13, मतलब ये चीज समझो कि इस कलर का कितना पत्ती होगा 13, इस कलर का भी कितना होगा 13, इस कलर का भी कितना होगा 13, और इस कलर का भी कितना पत्ती होगा 13, समझ में आया, मतलब बात है। तो अरे भाई देखो 52 पत्ती था ना यार, ये बताओ देखो 52 पत्ती था अपने पास। ठीक है, तो 52 पत्ती में हम लोग देखेंगे ये चार कलर होता है, पान ईट हुकुम चिड़ी, पान हीट हुकुम चिड़ी, इस तरह का शेप बना रहेगा, तो इस तरह से चार पत्ते मतलब इस तरह ये सब कलर आपको शेप दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे चार से डिवाइड करें, तो हम लोग को पता चलेगा कितना कि भाई हर एक जो शेप रहेगा मान लो दिल शेप वाले पत्ती में कितना पत्ती होगा बताओ, इस दिल वाले शेप का 13 पत्ती, इस तरह से इसका भी जो ईट की तरह से बना रहता है इसका भी कितना होगा 13 पत्ती, इसका भी कितना होगा 13 पत्ती, और इसका भी कितना होगा 13 पत्ती। ठीक है, तो मतलब अब देखो 13 13 13 13 जोड़ लो, 13 2 26 39 39 39 और 13 कितना होगा 52 हो गया, मतलब कुल मिला के हम लोग कितना समझ आएगा भैया 52 पत्ती होता है, वो चार समूह में बटा रहता है और सब में अपना अपना 13 13 पत्ती होता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, वही चीज लिखा हुआ, एक ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, चार समूह में बटा होते, जैसे मैंने बताया इसे प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं, हर समूह में आपको 13 पत्ते मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये चार समूह हुकुम, वही नाम बता दिए, ये सब हुकुम ईट पान चिड़ी वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, चीरी एवं हुकुम के रंग काले होते हैं, ये चीज याद रखना कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछता है कि वैसा पत्ती हमको बताइए कि जो रंग काला है, जिनका रंग काला है, तो आप क्या क्या बताओगे, एक हुकुम को बताओगे और एक चीरी को बताओगे, क्योंकि ये दोनों का रंग, ये बोध का जो रंग होता है दोनों का रंग क्या है बताओ, ब्लैक है, मतलब काला है, और अगर रेड की बात पूछे तो पान तथा ईट
के रंग लाल होते हैं, मतलब ये दोनों का अगर बात किया जाए, ये दोनों मतलब ये दोनों तो ब्लैक था, और ये दोनों की बात, ये दोनों क्या होता है अपना रेड होता है, मतलब लाल होता है। ये चीज क्लियर हो गया। मतलब देखो भैया, 52 पत्ती होता है, वो 4 समूह में बटा रहता है, सबका नाम है पानी ढुकुम चिड़ी, और सबका क्या होता है, दो कलर। एक्चुअली पूरा ताश में दो ही कलर होता है, या तो रेड होता है या तो ब्लैक होता है। रेड में आपको पानो डीट आ जाता है, और ब्लैक में आपको हुकुमो चिड़िया आ जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? देखो अब देखो ध्यान से, अब जो 13 पत्ती है इसमें, अब जो 13 पत्ती है इसमें, तो उसमें क्या सीन बना है देखो, कि इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13। तो बोला ना कि हर 13 बंद, हर एक समूह में, मान लो पान वाले समूह में 13 में जो पत्ती रहेगा, ठीक है, इसमें 3 फेस कार्ड बता। फेस कार्ड मतलब क्या? फेस कार्ड मतलब आप ये समझ लो कि जिसमें तस्वीर बना रहा था एक, और तो किसमें तस्वीर बना रहा था, एक आपको तस्वीर बना रहा, एक तस्वीर आपको बना रहा था किसमें बताओ, एक तस्वीर बना रहा था आपको, मान लो ये बोल सकते हो गुलाम में, एक तस्वीर बना रहा था किंग में, देख लेना ताश उठा के, एक तस्वीर बना रहा था क्वीन में, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा 13 पत्ती, जैसे पान, जैसे मान लो कि ये पान है, इसमें भी 13 पत्ती है, तो 13 पत्ती में ये चीज याद रखो, ये गुलाम, किंग और क्वीन, ये तीनों क्या है, फेस कार्ड है। क्या है, क्या है ये फेस कार्ड। अगर हिंदी में बात करो तो देखो ध्यान से, कि अगर ये चीज देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, अगर तो आपको समझ में आएगा कि जो किंग है, किंग को हिंदी में बोलते हैं बादशाह, क्वीन को बोलते हैं बेगम, और गुलाम तो मान लो गुलामी है, गुलाम तो मतलब गुलामी है। अगर इंग्लिश में बात करो गुलाम को, तो हम लोग जैक बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप इतना समझ लो कि कोई भी पत्ता है, जैसे मान लो कोई भी समूह की अगर बात करो, चाहे इस समूह की 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 बात करो, तो एक चीज के लिए कि हर एक समूह में आपको 3 पत्ती ऐसा दिखेगा जिसपे कहीं ना कहीं आपको फेस दिखेगा। वो पत्ती का नाम यहाँ पे लिख दिया मैंने, वो पत्ती का नाम है गुलाम, किंग, क्वीन। अगर हिंदी में बात करो, अगर आप इस तरीके से, तो क्या क्या होगा बताओ, बादशाह, बेगम एवं गुलाम, ठीक है। ये 3 पत्ती जो आपको दिखेगा, ये तीनों क्या है, फेस कार्ड है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। यहाँ पे आपको फेस दिखेगा तीनों में, बादशाह, बेगम, गुलाम में। तो मतलब सर एक चीज तो आप बताएं सर, 13 पत्ती में आप 3 पत्ती बता दिए, कि सर 3 पत्ती तो आप सर बता दिए कि सर 3 पत्ती फेस कार्ड मिलेगा क्या, क्या बादशाह, बेगम, गुलाम, ये तो सर बता दिए। अभी भी सर 10 पत्ती बचा हुआ है, ठीक है, अभी भी सर 10 पत्ती हमारे पास बचा हुआ है सर। अब क्या करें देखो, अब ध्यान से, तो 10 पत्ती में एक चीज याद रखना कि अब बहुत लोग बोले क्या कि सर 1 से लेकर के 10 तक होगा, 1 से लेकर के 10 तक होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। लेकिन एक को एक नहीं बोला जाता, एक को एक नहीं बोला जाता, इसको इक्का बोला जाता है। 13 पत्ती था, 13 पत्ती में 3 पत्ती मैंने समझा दिया फेस कार्ड है, बादशाह, बेगम, गुलाम, बच गया 10 पत्ती। तो बच गया 10 पत्ती में बहुत लोग बोलते हैं 1 से 10, 1 से 10 मत बोला करो, एक को बोला करो इक्का, इसको बोला जाता है इक्का। क्या हो जाता है, इक्का, ठीक है ना। मतलब 1 से लेकर 10 तक पत्ती रहेगा ना भाई, एक को एक नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है इक्का, ठीक है। और जो बच गया फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब आपको रहेगा। मतलब 13 पत्ती में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया था क्या क्या पत्ती रहेगा। 13 पत्ती में तो भैया 3 अपना फेस कार्ड रहेगा, 10 पत्ती में एक एक्का रहेगा, और आपको 10 तक मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर अगर बात करो तो क्या क्या मिलेगा बताओ जल्दी से। 13 पत्ती में एक बादशाह, बेगम, गुलाम मिलेगा, एक आपको इक्का मिलेगा, हो गया। और मिलेगा क्या, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है, और एक जगह पे क्या होता है, इक्का एस, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया होगा। वही यहाँ पे चीज भी लिखा कि फेस कार्ड कहते हैं इस प्रकार प्रत्येक समूह में 3 3 फेस कार्ड, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। चलो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, तो आपको तो ये चीज श्योर हो गया भाई कि फेस कार्ड हम लोग के हर समूह में 3 3 होता है। मतलब इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा। आप अगर आपसे पूछे भैया हमारा टोटल फेस कार्ड कितना आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। मैंने बताया ना हर समूह में कितना होगा, हर समूह में 3 3 फेस कार्ड होता था। हमारे पास 4 समूह होता, ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 4 मतलब 12, नहीं तो ऐसे जोड़ लो भाई, ये मान लो कि ये मान लो 3 इसका है, पान का है, फिर ये 3 मान लो ईट में है, फिर ये 3 मान लो हुकुम में है, और ये 3 मान लो चीरी में। तो जब ऐड करोगे 3 3 फेस कार्ड 4 समूह में, कितना हमारा फेस कार्ड बनेगा, बनेगा 12। तो याद रखो कि कुल फेस कार्ड की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 12, क्लियर। अब बताओ टोटल 52 पत्ती है आपके पास पूरा ताश में, इसमें से आपको 12 पत्ती क्या निकल गया,
फेस कार्ड, तो बिना फेस कार्ड वाले पति कितना आ जाएगा 40। क्लियर, वही चीज का बिना फेस कार्ड वाले कार्ड की संख्या कितना आ जाएगी 40। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे टास्क को लेकर के, आपको लगता है क्लियर हो गया होगा पूरा आपको। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे ना और चीज क्लियर होगी। ठीक है, ये सब कुछ और टर्म्स है वो चीज देख लो क्या टर्म्स है, कि संप्राय घटनाएं इक्वली लाइक इवेंट, संप्राय घटनाएं इक्वली लाइक इवेंट्स, देखो क्या लिखा है कि एक यादृच्छिक प्रयोग का परिणाम संप्राय कहलाता है, अनुकूल परिणामों की तुलना में अन्य परिणामों को प्राप्त होने की संभावना उतनी ही होती है। मतलब कुल मिलाकर के बोला जाता है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का परिणाम एक तब संप्राय बोलते हैं जब अनुकूल परिणाम अगर मान लो हो रहा है, अगर उसकी तुलना अगर अन्य परिणाम से भी करें तो उसकी भी होने की संभावना उतनी ही हो, तब इस तरह हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे मान लो कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके फलक जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है उसके समान रूप से प्रकट होने की संभावना होती है। मतलब जैसे मान लो कि आपके पास पासा है, जो लूडो खेलते लूडो में पासा होता है उसमें 1 से 6 लिखा रहता है, जब आप उसको फेंकते हो ना तो एक चीज आपको 100% श्योर रहता है कि भाई 1 से लेकर 6 तक आने का इक्वली संभावना, ऐसा थोड़े कि 2 आने का संभावना नहीं है, चाहे 2 आने का संभावना 10% है और 6 आने की संभावना 100% है, इसे तो कुछ बोल नहीं सकते। मतलब उस पे हर एक पॉइंट जो लिखा रहता है उसको उसके आने की संभावना समान रूप से एकदम सेम होती है सबके लिए। ठीक है, वही हमारा क्या होगा इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अब देखो जो फॉर्मूला देख रहे थे हम, जो फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो कुछ फॉर्मूला देख लो क्या है कि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता, यही है मेन फॉर्मूला, गलत से निकल लो, चलो गलत से निकल लेता, किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसको हम लोग डिनोट करते हैं पीई से, पीई से मतलब हो गया घटना ई की घटित होने की प्रायिकता को पीई द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब जो घटना ई है इसके घटित होने की प्रायिकता किससे सूचित किया जाएगा, पीई से। तो कभी भी हमको प्रायिकता निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी किसी घटना के घटित होने की, तो पीई बनेगा। तो जो घटना है, ये जो घटना ई है उसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय जो प्रयोग करेंगे उसके सभी संभव परिणामों की संख्या। जैसे मान लो कि आप क्या करते थे, जैसे मान लो सिक्का है, सिक्का को जब आप उछालते हो या तो हेड आ गया तो टेल आ गया, लेकिन अगर हमसे पूछे कि हेड आने की प्रायिकता कितनी है, हेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो आप हेड से पास जाना और हेड से पूछना कि भैया आप हेड क्या कितनी बार आ सकते हो, एक बार आपको फेंका जाए सिक्के को तो हेड से जाकर पूछना हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, फेंकेगा तो हेड आएगा तो टेल आएगा, मतलब कितना आएगा, एक आएगा। और जो टोटल संभावना है क्या क्या आ सकता है, तो हेड भी आ सकता है तो टेल भी आ सकता है, मतलब कितना 1 2, तो कितना आ जाता है 1/2। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की, तो आप क्या बताओ, ये सकता हूँ टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टेल भी एक बार अगर फेंक रहे हो तो टेल आने की प्रायिकता एक ही होगी, लेकिन जो टोटल संभावना है या तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, टोटल संभावना कितना है 2 है, इसकी कितनी प्रायिकता होगी 1/2, मतलब 1/2 इसका भी 1/2 इसका भी, समझ में आ रहा ना। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ई है, जो घटना ई है, उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल सभी संभव परिणामों की संख्या। इसे आप देखो यहां से समझ में आएगा आपको, निश्चित या निर्धारित घटना श्योर और सर्टेन इवेंट्स, जिस घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 होती है उसे निश्चित घटना बोलते हैं। ठीक है, इसे मान लो कि किसी की प्रायिकता 1 होगी तो समझ में निश्चित घटना, मतलब घटेगा ही घटेगा। ठीक है, इसे मान लो जैसे चूंकि पासे के प्रत्येक फ्लोर पर किसी संख्या लिखी होती है जो 7 से छोटी होती है। ठीक है, ऑब्वियसली 1 से 6 तक लिखा है तो 7 से छोटा ही होता है, इसलिए पासे को एक बार फेंकने पर यह निश्चित है कि प्राप्त संख्या सदैव 7 से छोटी होगी। ये 100% श्योर है कि अगर मैं पासे को फेंकू ऊपर तो कुछ भी आएगा क्या, मतलब 1 से 6 तो आएगा ही, तो मतलब जो भी आएगा 7 से छोटा ही होगा, तो मतलब क्या इसकी प्रायिकता हम लोग क्या लग रही है 1 लग रही है। अगर आपको फॉर्मूला से भी निकालना है तो अभी समझो, तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है ये चीज बताओ। जैसे मान लो कि अगर आपसे पूछ रहे क्वेश्चन कि सर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालिए किसकी 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने की, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या निकालना है 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने की, चलो निकालो 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने की। तो सबसे पहले देख लेता हूं, हम लोग जानते हैं कि इसके अनुकूल इवेंट होना चाहिए, मतलब 7 से छोटा कौन कौन हो सकता है बताओ, 6 हो सकता है, 5 हो सकता आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर में आ सकता है, मतलब 6 लोग आ सकता है। अब ये इसे नहीं लिखना, कितना गिन लो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इसका अनुकूल परिणामों की संख्या है डिवाइड बाय टोटल परिणाम से कितना होगी, टोटल एक पासा फेंकोगे तो क्या आ सकता है, ये आ सकता है 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6
ऊपर में सिक्स क्या कटे क्या हो जाएगा वन, तो मतलब क्या प्रैक्टिकल में से क्या हो गया वन। अगर सिंपली अगर मूड अगर आप डायरेक्ट भी देखो तो मतलब क्या, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई सात तो आने वाला है नहीं, तो मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल दो कि सात से छोटी संख्या प्राप्त करने की, तो हम लोग क्या बोलेंगे सीधा भाई वन बोल देंगे, क्योंकि सात से टोटल संख्या तो छोटी तो है भाई, ऐसा थोड़े की कोई संख्या उससे बड़ी है, समझ में आ रहा है। तो टोटल संख्या सात से छोटी ही है, जो भी मिलेगा मुझे सात से छोटा ही मिलेगा। आप लोग इसका क्या बोलोगे कि भाई प्रोबेबिलिटी जो होगा सात से छोटी संख्या प्राप्त करने की क्या हो जाएगा वन, क्योंकि सात से छोटी संख्या प्राप्त करने का जो अनुकूल संख्या होगा वो क्या क्या हो सकता है, छ पांच चार तीन दो एक हो सकता है, छह हो सकता है, और टोटल हमारा संख्या में कितना होगा छह, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा वन। ठीक है, तो कुल मिला के इसे समझ में आ गया कि एक निश्चित घटना, ये तो घटना होना ही होना है कि प्रायिकता वन होती है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीई की परिभाषा से अंश घटना के ई के अनुकूल परिणामक संख्या है, ऑब्वियसली सदैव हर सभी संभव परिणामक संख्या से छोटा होता है, ऑब्वियसली अगर नीचे में इसमें अनुकूल लिखते हैं अनुकूल और नीचे में टोटल लिखते हैं तो ऑब्वियसली अनुकूल जो है इससे छोटा ही होगा, टोटल से तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होता है, कोई जो प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, वो जो होता है जीरो से वन के बीच में ही होता है, ये ऑब्जेक्टिव का प्योर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है और पूछेगा ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होता है वो आपको जीरो से वन के बीच में होता है और ये जीरो और वन इंक्लूडेड है, समझ में आ रहा है। जीरो भी हो सकता है किसी प्रोबेबिलिटी और वन भी हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में ये वैरी करेगा और जीरो और वन एक दूसरे, जीरो और वन इसमें इंक्लूडेड है। तो वन कब होगा, जब निश्चित घटना हो, जीरो कब होगा, जब असंभव घटना हो, जैसे अब होना ही नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता, तो क्या हो सकता है, हो जाएगा प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहां से देखो असंभव घटना इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, वह घटना जिसका घटित होना असंभव है, कि प्रायिकता जीरो होगा असंभव घटना का। जैसे मान लो एक पासे को एक बार फेंकने पर आठ को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है, आप सिंपल सी बात बताओ कि भाई एक पासा फेंके आ सकता है छह ही, तो आठ कहूँ आए कहीं पे, बताओ आठ को प्राप्त करने की संख्या कहां से आई, तो आएगा ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी से क्या बोल दोगे जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। अगर सिंपल फॉर्मूला भी देखो किसी भी इवेंट का, तो आठ आने की अनुकूल इवेंट कितना होगा, तो आ ही नहीं सकता ना भाई, एक दो तीन चार पांच छह ही तक आ सकता, तो जीरो, और जो टोटल आ सकता हो कितना है छह, तो जीरो बचे कितना हो जाएगा जीरो, देखो जीरो बचे कितना हो जाएगा जीरो, मतलब क्या कि असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होती है, ये सभी क्वेश्चन पूछता है। मतलब आप कुल मिला के इतना समझ लो कि जो भी हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, जो भी हम लोग प्रोबेबिलिटी जानते हैं, उसका जो वैल्यू होता है वो हम लोग का रहता कहां से कहां तक, जीरो से वन के बीच में होता है, और इसमें जीरो कब होगा बता दो, जीरो तब होता है जब असंभव घटना हो, लिख लो यहां से, जीरो तब होता है जब असंभव घटना हो, प्रायिकता जीरो तब होता है जब असंभव घटना हो, और वन तब होगा प्रायिकता जब हमारा एकदम मस्त निश्चित घटना हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ और है जी, समझ लो, एक होता कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटना, पूरक घटना समझ में आ रहा है, जिसे मान लो कि कोई घटना घटा, कोई घटना घटने की प्रायिकता प्लस उसी घटना को नहीं घटने की प्रायिकता, उसको क्या, तो एक दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। जैसे यहां पे देखो समझो, माना कि ई एक घटना है तथा ई नहीं, नॉट ई भी एक घटना है, तो इसके घटित होने की संभावना तभी हो सकती है जब ई के घटित होने की संभावना नहीं हो। तो सिंपल सी बात है क्या कि अगर ई घट रहा है तो ऑब्वियसली ये जो घटना था कि ई के नहीं घटने की घटना, वो तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और अगर ई नहीं घट रहा है, अगर ई नहीं घट रहा है तो ई के घटने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो मतलब क्या, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। आप लोग क्या बोल सकते, एक दूसरे क्या है, पूरक। ये चीज लिखा है, घटना ई नहीं को घटना ई का पूरक कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के इतना समझो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। याद रखो कि मान लो कि आप सिक्का उछाले तो उसमें जो आपका, मान लो कि उसके हेड आने का प्रायिकता मान लो ई है, फिर हेड नहीं आने का प्रायिकता कुछ है, ई नहीं है, अगर ई दोनों को अगर ऐड करोगे ना तो ये इक्वल टू वन होता है। मतलब इतना समझ लो, अगर हेड की बात क्यों करूं मैं किसी भी इवेंट की बात करता हूं, किसी भी घटना की बात करता हूं, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता जब ऐड करते हैं, दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो मतलब एक चीज यहां से समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इन दोनों में से कोई भी पता हो, मतलब अगर प्रायिकता प्रायिकता जो अगर कोई घटना घट रही है, अगर उसके हमको प्रायिकता पता है, तो अगर हमसे पूछे कि अगर वो घटना
नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन से घटा देंगे, मतलब 1 माइनस पी कर देंगे, मतलब पी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ये, मतलब कुल मिलाकर समझ में आ गया ये चीज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट में बहुत पूछता है कि पी प्लस पी नहीं बराबर क्या होगा, बिल्कुल हमेशा 1 होगा, ठीक है। कुल मिलाकर हम लोग क्या क्या पढ़े ये बताओ, हम लोग यही पढ़े किसी घटना ई के लिए हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0 से 1 के बीच में, 0 कब होता है जब असंभव घटना हो, जब हो ही नहीं सकता, और 1 होता है जब एकदम मस्त घटना घटना ही घटना है, निर्धारित है। और यदि ई एक असंभव घटना हो तो पी क्या होता है 0, जैसे कि मैंने बताया, और ई एक निश्चित घटना हो, घटना ही घटना, तो पी हमारा 1 होता है। और अगर मान लो पीई नहीं निकालना हो, नहीं घटित होने की अगर प्रायिकता निकालना हो, तो हम क्या कर देंगे 1 माइनस घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये चीज हमारा इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था प्रोबेबिलिटी के बारे में। अगला जो लेक्चर है उसमें खाली क्वेश्चन करेंगे, आपको टोटल चीज समझ में आ गया होगा, क्या प्रायिकता होती है, क्या ताश होता है ना, क्या घटना होती है, हर एक चीज क्या फॉर्मूला आता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालना हो ना, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें देख लो कि अगर मान लो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना, तो इसके फेवरेबल मतलब इसके अनुकूल कि जो जितने भी परिणाम की संख्या होगी डिवाइडेड बाय टोटल संभव परिणामों की संख्या, आप आराम से प्रोबेबिलिटी निकाल के लेके चले जाओगे, ठीक है। और देखो तुम लोग के लिए क्या किया ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं मैं, नीचे जाके चले जाना, वहां पे जो कमेंट बॉक्स होगा ना वहां पे मैं डाल दिया हूँ लिंक, आपको वहां पे भी तो लिंक 10th का मैं डाल दिया हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप जरूर ज्वाइन करना व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि मैं वहां पे ढेर सारा क्वेश्चन करवाता हूँ, और वहां से आप कोई भी डाउट हमसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके, थैंक्स।